गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको मार्क्स एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। यह काफ़ी सुर्खियों में रहा था, सिक्स मार्क्स एक्सटेंशन को लेके। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि अभी सिक्स मार्क्स एक्सटेंशन के पीरियड में हम लोग चल रहे हैं, तो अभी तक जितने भी मार्क्स एक्सटेंशन हुए हैं पिछले जो एक से लेकर पाँच और अभी जो छठा चल रहा है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने टाइम पीरियड में बनाया हुआ था कि किस टाइम पीरियड में कौन सी घटनाएं घटी, उससे आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला मार्क्स एक्सटेंशन का जो टाइम पीरियड था, फर्स्ट मार्क्स एक्सटेंशन, वो था आपका आर्डोविशियन से लेकर सिलूरियन काल में। इसको हम लोग आर्डोविशियन सिलूरियन विलुप्ति भी बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 45 से 44 करोड़ वर्ष पूर्व, और एरा था वो पैलेजोइक। इस मार्क्स एक्सटेंशन में फ्रेंड्स 86% प्रजातियाँ विलुप्त हो गई थी, और इसका कारण माना जा रहा है हिमाच्छादन और समुद्री जलस्तर में कमी, क्योंकि उस समय आर्डोविशियन और सिल्यूरियन एज के समय पीरियड के समय ज़्यादातर जीव ये प्रजाति समुद्र में ही रहते थे, और स्थल भाग में जीवों का विकास न के बराबर हुआ था, तो इसीलिए ज़्यादातर समुद्री जीवों का ह्रास हुआ था, लगभग 86%। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड मार्क्स एक्सटेंशन में। इसे हम लोग उत्तर डिवोनियन विलुप्ति भी बोलते हैं, और इसका एरा है पैलियोजोइक, क्योंकि जो डिवोनियन पीरियड है वो पैलियोजोइक एज एरा में ही आता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 37 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये जो पीरियड था वो कार्बोनिफेरस और डिवोनियन का संक्रमण काल था, और इसमें आपके 75% प्रजातियाँ नष्ट हो गई थी। इसमें कारण माना जा रहा है कि जमीन पर हरे पेड़ पौधे का फैलाव तथा यूट्रोफिकेशन एवं शैवाल बूम, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी एवं समुद्री जीवों का ह्रास हो गया था। मतलब इसका अर्थ यह है दोस्तों कि इस एज में डिवोनियन एज आते आते हरे पेड़ पौधे का विकास शुरू हो गया था स्थल भाग पर, जिस कारण से यूट्रोफिकेशन की समस्या पैदा हो गई। यूट्रोफिकेशन का आप जानते होंगे, इसका सुपोषण होता है। अधिक पोषक तत्व तो अगर किसी जलीय भाग में चले जाए तो वहाँ पर शैवाल बूम हो जाती है, जिस कारण से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और समुद्र जीवों का ह्रास हो जाता है। ठीक यही घटना घटी थी सेकेंड मार्क्स एक्सटेंशन में। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड मार्क्स एक्सटेंशन। इसे हम लोग परमियन ट्राइसिक विलोपन भी बोलते हैं। इसका जो एरा है वो है पैलियोजोइक और मेसोजोइक दोनों के बीच का है, क्योंकि फ्रेंड्स जो परमियन एज है वो पैलियोजोइक का अंतिम पीरियड है, और जो ट्रायसिक एज है, ट्रायसिक पीरियड है, वो मेसोजोइक का प्रारंभिक पीरियड माना जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पैलियोजोइक और मेसोजोइक का संक्रमण टाइम था वो, जब ये थर्ड मार्क्स एक्सटेंशन हुआ था। और टाइम पीरियड की बात करें तो ये था 25.1 करोड़ वर्ष पूर्व, और ये जो थर्ड मार्क्स एक्सटेंशन था यह अब तक का सबसे विशाल मार्क्स एक्सटेंशन था, जिसमें 96% प्रजातियां नष्ट हो गई थी, और इस काल को महान मृत्यु ही बोला जाता है, क्योंकि लगभग 96% लगभग ऑलमोस्ट मान चले कि सारे प्रजातियां नष्ट हो गए थे, मात्र 4% प्रजाति ही अपने अस्तित्व को बचा पाई थी। इसका कारण फ्रेंड्स माना जाता है कि पृथ्वी का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया था, और अत्यधिक बैक्टीरिया स्थल भाग में आ गए थे, जिस कारण से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुआ, पृथ्वी बहुत अधिक गर्म हो गई और महासागर अम्लीय हो गए, क्योंकि अगर वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो महासागरों की अम्लता ही बढ़ती है। इस कारण से 96% प्रजातियाँ विलुप्त हो गई। इसको हम लोग थर्ड मार्क्स एक्सटेंशन कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आते हैं फोर्थ मार्क्स एक्सटेंशन में। इसका जो टाइम पीरियड है वह है 19.9 से लेकर 21.1 करोड़ वर्ष पूर्व, और इसे हम लोग ट्रियासिक जुरैसिक विलुपन ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो हुआ था फोर्थ मार्क्स एक्सटेंशन ये ट्रियासिक के अंतिम में और जुरैसिक के फर्स्ट समय में हुआ था, शुरुआत में जुरैसिक में हुआ था, इसीलिए इसे ट्रियासिक जुरैसिक विलुपन बोलते हैं। इसका कारण माना जाता है दोस्तों क्षुद्र ग्रह का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन और बेसाल्ट विस्फोट। और फ्रेंड्स इसी काल में आपका डायनासोर के जो पूर्वज थे उनका जन्म हुआ था, मतलब डायनासोर का विकास इसी मार्क्स एक्सटेंशन के बाद शुरू हो गया था, और ये लगभग 13.5 करोड़ वर्षों तक इस धरती पर राज किए, और ये कई चरणों में संपन्न हुआ फोर्थ मार्क्स एक्सटेंशन।
और इसका जो एरा था वो मेसोजोइक था, क्योंकि जो ट्रियासिक और जुरेसिक दोनों पीरियड है वो मेसोजोइक एरा के अंदर आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आते हैं फिफ्थ मार्क्स एक्सटेंशन में, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व, और इसे हम लोग क्रिटेशियस और पैलियोजिन विलुप्त ही बोलते हैं। इसका जो एरा है वो मेसोजोइक का अंत और प्रारंभिक सिनोजोइक। इसमें फ्रेंड्स 75% प्रजातियाँ विलुप्त हो गई थी, और डायनासोर की विलुप्ति भी इसी काल में हुई थी। और जो वर्तमान स्तनधारी और पक्षी का विकास हुआ था वो इसी काल में शुरू हो गया था, जो हम लोग आज देख रहे हैं डायनासोर की विलुप्ति के बाद। इसका कारण दोस्तों ये माना जाता है कि इस समय भी उल्का पिंडों का धरती पर काफ़ी प्रहार हुआ था, वो काफ़ी टकराया था उल्का पिंड धरती धरती पर, और इस कारण से डायनासोर की विलुप्ति हुई थी। इसका अर्थ आप ये मत समझिए कि उल्का पिंड प्रत्येक डायनासोर पर जाए गिरे थे, कुछ गिरे होंगे, लेकिन इसका जो मेन रीजन था वो था कि उल्का पिंड के गिरने से पूरे पृथ्वी पर जलवाष्प फैल गए थे, हमारे वायुमंडल में काफ़ी सांद्रता उनकी बढ़ गई थी, इस कारण से ग्लोबल विंटर हुआ था, और यही कारण बना था डायनासोर की विलुप्ति का। और इसी के बाद से ही आपका आइस एज शुरू होता है, जो हम लोग मैंने जो पिछले चरण बताया था कि प्लिस्टोसिन युग में हम लोगों ने चार पढ़े हैं आइस एज, इसके बाद ही शुरू होता है वो। अब हम लोग आते हैं 6 मार्क्स एक्सटेंशन में। फ्रेंड जो 6 मार्क्स एक्सटेंशन है वो अभी चल रहा है, ये माना जा रहा है कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, और ये जो मार्क्स एक्सटेंशन इसको हम लोग होलोसिन विलोपन ही बोलते हैं, क्योंकि ये मार्क्स अभी हम लोग जो रह रहे हैं वो होलोसिन युग में रह रहे हैं फ्रेंड्स। और जो एरा है वो है नियोजिक, क्योंकि तो फ्रेंड्स नियोजिक जो एरा है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। प्लिस्टोसिन का जो टाइम पीरियड है वो है 10 लाख पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक, और जो होलोसिन का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर अभी 2019, मतलब हम लोग होलोसिन पीरियड में रह रहे हैं, और इसी को माना जा रहा है होलोसिन विलोपन या 6 मार्क्स एक्सटेंशन। इसका कारण फ्रेंड्स मानव और उसकी गतिविधि को बताया जा रहा है, और इसके कई प्रमाण भी दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे कि 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक 680 कशेरुकों और 9 स्तनधारी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, और बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन से कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। तो इसी द्वारा माना जा रहा है कि अभी हम लोग 6 मार्क्स एक्सटेंशन के पीरियड में जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसको अभी भी आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है इस 6 मार्क्स एक्सटेंशन को। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का दावा है ये, लेकिन अभी इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर, और इसमें मैंने सारे मार्क्स एक्सटेंशन के बारे में बताया था। यूपीएससी भी 2018 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछी हुई थी, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि छठा व्यापक विलोप या छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में उल्लेखित रहता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हो उसके बारे में तो सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर होगा आपका डी, यहाँ देख सकते हैं, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का समविभाजन नाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। इसको हम लोग 6 मार्क्स एक्सटेंशन इसी के लिए चर्चा में था, क्योंकि यही कारण बन रहा है आपके 6 मार्क्स एक्सटेंशन का। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।